तो दोस्तों आज मैं आप लोग को कोई ट्रिक शेयर नहीं करूँगी, बस अपना फीलिंग शेयर करूँगी। जो मेरा कल एक घटना हुआ था, बहुत ही ख़राब वीडियो एक मेरे ऊपर बना था, तो वो क्या है, कौन सा वीडियो, वो तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, और मेरी मम्मी भी आएगी वीडियो में और वो भी कुछ बोलेगी मेरे प्रति। तो आप आज के इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ वो चीज़ तो आप जान ही गए होंगे, और इस बच्ची का हौसले के लिए जो है यार इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि इस बच्ची के बारे में जो है मैं बहुत कुछ जो है आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बच्ची के साथ हुआ क्या, ठीक है। इस बच्ची का जो है नाम है पीडिया, और इसका जो है एक यूट्यूब चैनल है टेक विथ पीडिया के नाम से। बाकी मैं आपको बता दूँ कि ये जो है बहुत ही दिनों से अपने यूट्यूब चैनल पर काम कर रही थी, तो काम करते करते जो है इसके चैनल पे जो है 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे, लेकिन इसके वीडियो पे जो है व्यूज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उतने में जो है मनोज दे इसको ऑफर किया और इसको जो है अपने स्टूडियो में बुलाया, और दोनों आदमी जो है अलग अलग कुर्सी पे बैठे, और वहाँ पे जो है मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ हुआ है कि देखो, मनोज दे सोचते थे कि इतनी छोटी बच्ची जो है यूट्यूब पे आई है और इसका हौसला देखो, और ये जो है कुछ करना चाहती है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है बहुत ही जो है ज़्यादा जो है ऑनलाइन से जुड़ जाएगा लोग, क्योंकि आज के टाइम में आप जानते हो कि महामारी चल रहा है, और अभी के टाइम में जो है जितने भी कारोबार होता है वो सब ठप हो चुका है, और आज के टाइम में जो है बच्चे को मालूम चल चुका है कि ऑनलाइन जो है अर्निंग किया जाता है। तो ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए जो है यूट्यूब सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको बता दूं कि वैसे जो है मनोज दी के पास पहले से बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, लेकिन उस बच्ची को बुलाने का मकसद यही था कि मनोज दी ये सोच रहे थे कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो सभी के सभी जो है मोटिवेट हो जाए, ठीक है, जो भी डीमोटिवेट है वो मोटिवेट हो जाए, क्योंकि ये इतनी छोटी सी बच्ची है और ये जो है यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहती है, और ये जितना मेहनत कर रही है उतना अगर हर लोग मेहनत कर ले तो हर लोग सफल हो जाएगा। बस ये चीज़ जो है अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता था, ठीक है। बाकी जो है मनोज दे इस लड़की को प्रमोट नहीं किया है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मनोज दे ने इस लड़की को प्रमोट किया, तो उसी में से जो है कुछ मनोज दे के सब्सक्राइबर थे तो उनको जो है जलन मच गई कि यार मुझे जो है प्रमोट नहीं किया, एक लड़की को प्रमोट किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यार ये जो है एक बच्ची है, लड़की नहीं है, ठीक है। इसका उम्र जो है मात्र 12 साल है, और मैं आपको बता दूं कि मनोज दे इस बच्ची को जो है अपनी बहन मानता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बाकी बहुत ही सारे लोगों ने जो है इस बच्ची के ऊपर और इस मनोज दे के ऊपर जो है रोस्टिंग कर दिया है, ठीक है। रोस्टिंग में जो है इतने गंदे गंदे गाली दिया गया है, इतना घटिया घटिया गाली दिया गया है, जिसके बारे में जो है मैं आपको अपने चैनल पर नहीं बता सकता हूँ। और किस बंदे ने जो है रोस्टिंग किया है पीडिया के ऊपर और मनोज दे के ऊपर, वो भी जो है मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं कि रोस्टिंग वीडियो को देख के इस बच्ची का जो है पूरी तरीके से हौसला टूट रहा था, तो इसकी माँ ने जो है इसको सपोर्ट किया है, ठीक है, इसकी माँ और बाप और दादा ने सपोर्ट किया है। आज हम वीडियो पर यूट्यूब पर हम कभी नहीं आते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, मेरी बेटी का शौक था, इसका शौक हम पूरा किए, इसके दादाजी भी पूरा किए हैं, फादर भी पूरा करते हैं, सब जो हम लोग मिल के इसको सपोर्ट किए हैं, हम नहीं, मेरी बच्ची का शौक है तो बच्ची को सपोर्ट करना जरूर, हर माँ बाप का सपोर्ट करता है। देखिए बच्ची जिस चीज़ में लगन होता है बच्चा को, उस चीज़ में माँ बाप को देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी बच्ची पढ़ने में भी ठीक है, सब चीज़ में टैलेंट है मेरी बेटी, हम बेटी पर गर्व करते हैं, मेरी बेटी इतनी अच्छी टैलेंट है मेरी बेटी, मगर उस वीडियो को देख कर हमको बहुत बड़ा दुख लगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो यार आज के टाइम में जो है बच्चे को पता है कि यूट्यूब पे जो है लाइफ बन सकता है, यूट्यूब पे जो है एक कैरियर बन सकता है, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हो तो। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो आज के टाइम में जो है महामारी चल रहा है, और आने वाला टाइम में जो है पूरी तरीके से जो है महामारी चल जाएगा, तो इसीलिए जो है इसके माँ बाप जो है इसको सपोर्ट कर रहा है ताकि आगे चल के हमारे बच्चे का कैरियर बन जाए, क्योंकि ये जो है अपने घर में एकलौती है, ठीक है, और एकलौती है तो सिर्फ लड़की है, बाकी लड़का नहीं है इसके घर में, ठीक है, और ये अकेली है, तो ये जो है लड़के के तरह जो है अपना काम कर रही है यूट्यूब पे, लेकिन लोग जो है इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, लोग जो है इसका हौसला तोड़ रहा है, लेकिन हौसला जो है नहीं टूटेगा, क्योंकि इसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, इसके पिताजी सपोर्ट कर रहे हैं, दादाजी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो बंदा है जो कि पीडिया के ऊपर और जो है मनोज दे के ऊपर जो है रोस्टिंग किया है। तो इन बेवकूफ़ को मैं बताना चाहूँगा कि देख
तू भी जो है कहीं ना कहीं रोस्टिंग चैनल स्टार्ट किया है ना, तो टेक चैनल के बदौलत ही किया है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक चैनल के बारे में भी जो है घटिया घटिया लव जिसने बोला है इस बंदे ने, और मैं बताना चाहूँगा कि इतना बड़ा जो है कैरी मिनाटी है, उसने भी जो है आज तक रोस्टिंग नहीं किया होगा टेक चैनल पे। कैरी मिनाटी उसी के ऊपर रोस्ट करता है जिसके ऊपर जो है रोस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। बाकी हर किसी के ऊपर रोस्ट नहीं कर देता है, जो गलत चीज़ देखता है कैरी मिनाटी उसी पे रोस्ट करता है। लेकिन इन बेवकूफ़ को तो मालूम भी नहीं है कि किस पे रोस्ट करना चाहिए किस पे नहीं रोस्ट करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा कि एक सुनील यूट्यूबर के नाम से है, ठीक है। सुनील यूट्यूबर जो है अपने वीडियो के अंदर में जो है किसी को गाली नहीं देता है, लेकिन उसका भी जो है एक रोस्टिंग टाइप का वीडियो होता है। तो उसके चैनल पे जो है 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले थे, तो उतने ही में जो है क्या हुआ कि YouTube ने उसका चैनल डिलीट कर दिया, ठीक है। जब डिलीट हो गया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस बंदे ने, सुनील यूट्यूबर ने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करके दूसरे चैनल पे बताया है, ठीक है। फिर दूसरा चैनल जो स्टार्ट किया है उसका नाम है सुनील यूट्यूबर एगिन, ठीक है। तो किस कारण से जो है उसका चैनल डिलीट हुआ है वो भी आज तक पता नहीं चला है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब रोस्टिंग चैनल को स्टार्ट करता है तो थोड़ा ना थोड़ा जो है उसमें गाली गलौज का लफ्ज आ ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जो है सुनील यूट्यूबर का चैनल डिलीट हुआ होगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो जिस तरीके से प्रिया के माँ बाप ने जो है हौसला दिखाया अपनी बच्ची के लिए, तो उसी तरीके से जो है हर माँ बाप को जो है हौसला दिखाना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो कि आज के टाइम में जो है हर कोई जो है जुड़ना चाहता है ऑनलाइन से, और जो है यूट्यूब जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कैरियर बनाने के लिए। तो चलो यार, ये जानकारी था आप लोगों को देने का। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।